Assalamualaikum guys, welcome to Let's Try Apple. My name is Sultan Haider. कैसे हैं आप लोग? Guys, आज आप लोगों के साथ मैं अपना एक experience share करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए काफ़ी learning का बाइस बना. तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ. बेसिकली ये एक्सपीरियंस था मेरा ग्राफिक कार्ड की परचेजिंग से रिलेटेड, यानी मैंने किस तरीके से अपने पीसी के लिए एक ग्राफिक कार्ड ख़रीदा, किस प्रोसेस से गुजरा, कौन कौन से मराहल जो मेरे लिए थे बड़े इंटरेस्टिंग से रहे, और मैंने लोगों से कैसे कंसल्ट किया, यूट्यूब पे, गूगल पे कैसे सर्च किया, उसके बाद मार्केट कैसे विजिट किया. एक पूरा एक्सपीरियंस जो कि उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो कि नियर फ्यूचर में अपने लिए बेसिकली कोई ग्राफिक कार्ड ख़रीदना चाहते हैं. सो मैंने सोचा जो मराहल मुझे तय करना पड़ रहे हैं आप लोगों को भी वहाँ से गुजरना पड़ेगा. सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मेरे वो दोस्त जो ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा गीक किस्म के हैं, एक्सपर्ट हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये बड़ा बेसिक सा, बड़ा देसी किस्म का एक ग्राफिक कार्ड की बाइंग का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि मैंने कौन सा वाला ग्राफिक कार्ड खरीदा है अपने पीसी के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा भी. सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, ये मसला मुझे तब आया जब पिछले दिनों मैं अपने एक वीडियो को एडिट कर रहा था, और एडिटिंग करने के बाद जब मैंने उसको रेंडरिंग के प्रोसेस में डाला तो वो तीन दफ़ा रेंडर होने के बाद जो वीडियो की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी मतलब फटे हुए उसके कलर थे, बड़े मतलब वो ब्लैक वीडियो थी, कहीं से वो ग्रीन सी थी. तो मुझे लगा कि मुझे अब अपना ग्राफिक कार्ड चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी आउटडेटेड था. वो AMD का कोई पुराना मॉडल था 6670, यानी बहुत ही पुराना ग्राफिक कार्ड था. अब यहाँ पे मेरे लिए जो सबसे टेंशन वाली बात थी वो ये थी कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड कि कौन सी कंपनी का मुझे कार्ड खरीदना चाहिए, किस रेंज में अच्छा कार्ड आएगा, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा कार्ड सूट करेगा. यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जो कि, यानी कि आप सोच लें कि मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैंने ऐसे ही रैंडमली उसको गूगल करना शुरू कर दिया. क्योंकि मैंने बेसिकली अपना जो ग्राफिक कार्ड ख़रीदना था मुझे वो अपने अडोबी प्रीमियर की, यानी कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से था कि मुझे रेंडरिंग में या एडिटिंग में जो मुझे कार्ड जो है वो हेल्प आउट करेगा, मैंने वो ख़रीदना था. सो बेसिक सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे पहले तो दो मेन ब्रांड्स हैं जिसमें NVIDIA है और AMD है, इन दोनों में से मुझे चूज़ करना था. तो मैंने थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद NVIDIA को चूज़ कर लिया. सो NVIDIA में भी एक लंबी लिस्ट थी जिसमें आप कह सकते हैं कि 10,000 से लेके 1,00,000 से ऊपर तक की प्राइसेस के जो ग्राफिक कार्ड पड़े हुए थे जिनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन थी. कोई 12GB में था, कोई 10GB में था, बेसिकली 2GB से लेके 12GB तक और इससे भी ऊपर तक के कार्ड पड़े हुए थे. अब मेरे लिए यहाँ पे एक मरहला ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए कौन सा कार्ड चूज़ करूँ. सो यहाँ पे मैंने जब बेसिक सर्च की और मज़ीद ज़्यादा और एक दो लोगों से कंसल्ट भी किया तो मुझे पता चला कि NVIDIA में जो बेसिकली GTX कार्ड होते हैं, GeForce जो कार्ड हैं, वो गेमिंग के लिए होते हैं. और अगर आप कुछ ऐसा आपका काम है जो इट्स मोर लाइक एनिमेशन और आप CAD के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या एडिटिंग, ग्राफिक्स और इस तरह का काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो क्वाड्रो की जो सीरीज़ है आपको वो परचेज़ करना चाहिए. सो जब क्वाड्रो को मैंने सर्च करना शुरू कर दिया तो उसमें भी एक लंबी लिस्ट थी जो कि अब डिफरेंट कैटेगरी में थे. लाइक अगर कहीं पे कार्ड बहुत अच्छा था तो उसकी प्राइसेस जो थी वो आसमानों से बातें कर रही थी, और कुछ बहुत जो बेसिक वाले कार्ड थे वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक नहीं थी. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे दो तीन चॉइसेस रख लेनी चाहिए अपने सामने. तो मैंने K2000 जो क्वाड्रो सीरीज़ का है, K3000 और K4000, इसको चूज़ किया. और इसमें भी मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखा कि मुझे जो मेरे बजट के हिसाब से जो है वो तकरीबन 15,000 से 20,000 का जो बजट है उसमें मुझे जो K4000 सीरीज़ में था, यानी क्वाड्रो K4000 जो कार्ड था जिसकी बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन थी वो DDR5 था, 3GB रैम में था, 192 bit उसकी जो बस स्पीड है. लेकिन यकीन करें इस सारे मराहल से पहले मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया, कुछ दोस्तों के रेफरेंस से आगे बात की, तो मुझे जो प्राइसेस में एक वेरिएशन नज़र आई मुझे वो हैरान कन थी. तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मार्केट जाके विज़िट करूँ. मैंने डिफरेंट शॉप्स पे गया, हर जगह से मैंने पहले तो बेसिक उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि मेरी ज़रूरत ये है, उसके मुताबिक मुझे कार्ड ख़रीदना है. वहाँ से मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चली कि आपको कौन सी सीरीज़ ख़रीदना चाहिए. फिर उन्होंने कुछ अपने मुताबिक जो उनके पास अवेलेबिलिटी थी उसके मुताबिक मुझे बहुत सारी ऑप्शन दी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्राइसेस में इतनी वेरिएशन थी कि मेरे जानने वालों ने मुझे जो प्राइसेस दी थी और जो एक्चुअल में मुझे प्राइस एक शॉप से मिली थी उसमें तकरीबन 7,000 से 8,000 का डिफरेंस था. तो ये एक बड़ी अजीब बात थी. मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसके बारे में आपको बेसिक इतना नॉलेज नहीं है
तो मार्केट में ज़रूर विज़िट किया करें और डिफरेंट शॉप्स पे जाके उसके बारे में पूछा करें, मॉडल्स के बारे में पूछा करें, मॉडल सीरीज़ के बारे में पूछा करें, यानी प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा वो बहुत बेहतर रहेगा। सो ये बेसिकली एक पूरा मरहला था मेरा ग्राफिक कार्ड ख़रीदने से रिलेटेड, जिसमें मुझे पता चला कि अगर मैंने एडिटिंग की तरफ जाना है और एडिटिंग से रिलेटेड मैंने काम करना, तो मुझे फिर एनवीडिया की जो क्वाड्रो सीरीज़ है उसको लेना चाहिए, उसको परचेज करना चाहिए, और उसमें भी फिर मेरी जो रेंज के मुताबिक जो कार्ड है वो मुझे मिले, जिसमें मैंने K4000 को अपने लिए चूज़ किया। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो कार्ड मैंने ख़रीदा है वो किस तरह का है। बेसिकली ये वो कार्ड है जो मैंने ख़रीदा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वाड्रो सीरीज़ है एनवीडिया की ये, और इसको बैक से भी देखें आप, ये आप देख सकते हैं ये क्वाड्रो K4000 है। और अभी मैं आपको इसकी प्राइस भी बताता हूँ और मुझे जो प्राइसेस मिल रही थी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, और एक्चुअल में मुझे ये कितने में मिला मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। सो ये बेसिकली आप देख सकते हैं जो पोर्ट वगैरह हैं इसकी, HDMI पोर्ट वगैरह, और ये वो कार्ड है जो कि आपको नज़र आ रहा है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी प्राइस क्या थी और मुझे प्राइस मिल क्या रही थी एक्चुअली, और मुझे ऑफ़र क्या करनी पड़ी। सो मुझे जो प्राइसेस मार्केट में एक दो जगह से मिली थी वो तकरीबन 23,000 से 24,000 थी, और इसके अलावा जो एक मेरे रेफरेंस से मैं जहाँ पे बात कर रहा था वहाँ से मुझे 26,500 प्राइस मिली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाला कार्ड जो मुझे 26,500 या 24,000 तक मिल रहा था, एक्चुअल में मुझे ये कार्ड सिर्फ 19,000 में मार्केट से मिला है। यस, 19,000 में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे वर वेरी गुड पीपल, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, बड़े एक हम्बल वे में। आपको पता है कि जब एक कन्फ्यूज्ड कस्टमर किसी बंदे के पास, किसी शॉपकीपर के पास जाता है, तो वो किस तरीके से सर खाता है ये अगला बंदा ही जान सकता है जो शॉपकीपर होता है। तो मैंने उनसे जाके हर तरह से क्वेश्चन किए, हर तरह से पूछा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, बिना किसी टेंशन लिए उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये लेना चाहिए, ये ऑप्शन आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए अच्छी है, ये प्राइसेस की हैं, ये हैं। और मुझे प्राइसेस में भी आइडिया हो रहा था कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली मार्केट की दूसरी जो शॉप्स हैं वहाँ से उनसे बहुत बेहतर हैं। सो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका शॉप का जो नाम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा पाकिस्तान में। यहाँ पे लाहौर में इनकी शॉप है, हफीज़ सेंटर में, आप यहाँ पे इनको विज़िट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बेसिकली इस सारा एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोसेस से गुजरा, और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो वाकई में मेरी वाली सिचुएशन में होंगे, जिनके लिए पहली दफ़ा ग्राफिक कार्ड ख़रीदना एक मतलब बहुत मुश्किल मरहला होगा। सो गाइज़, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या इससे रिलेटेड कोई बात आपने पूछना हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो मेरे जैसा जिसने नियर फ्यूचर में कोई ग्राफिक कार्ड खरीदना है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।